बोकारो के चास के जोधाडी मोड़ स्थित इंडियन बैंक में आज हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े 50 लाख की डकैती कर डाली और आराम से फरार हो जाने में कामयाब रहे। 6 की संख्या में अपराध कर्मियों ने हथियारों के बल पर पहले बैंक के गार्ड को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद कैश काउंटर के कर्मियों को पकड़कर उन्हें अपने कब्जे में लिया। इसके बाद स्ट्रांग रूम खुलवाकर उसमें रखे हुए 50 लाख से ज्यादा की नकदी ले भागे। अपराधी 6 की संख्या में थे और नकाब पहने हुए थे। इस डाका कांड को अंजाम देने के दौरान अपराध कर्मियों ने बैंक कर्मियों को बाथरूम में तथा एक अन्य कमरे में कैद कर दिया था। उनकी हरकतों के बाद में पुलिस पहचान नहीं ले, इसलिए सीसीटीवी कैमरे को रिकॉर्ड को भी खोलकर ले गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस अध्यक्ष एवं अन्य लोग मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। अपराधियों की संख्या 6 बताई जा रही है। बताया जाता है कि अपराध कर्मी 3 अलग अलग मोटरसाइकिल से आए थे। पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। ये आज लगभग 1:15 बजे की घटना है। चास में इंडियन बैंक, जहां अभी आप लोग हैं, यहां पे 6 की संख्या में अपराधी आए थे और यहां के जो कर्मचारी हैं और जो कस्टमर थे उनको बंधक बना के, जो बैंक हम लोग को फिगर बता रहा है लगभग 39 लाख कुछ अमाउंट का बता रहा है। खैर, ये वेरिफिकेशन की चीज़ है। 39 लाख रुपए यहाँ से लूट के ले गए हैं। 3 बाइक में आए थे, हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। ऑलरेडी वीडियो हम लोग को मिल चुका है, वीडियो रखा हुआ है यहाँ पे, हम लोग उस बेसिस पे अपना कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शीघ्र हम लोग अपराधी और पैसे को रिकवर करें। मारपीट भी है, जो गार्ड है, प्राइवेट गार्ड है, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, बाकी किसी कस्टमर और कर्मचारी के साथ घटना नहीं। DVR भी लेकर? नहीं, DVR प्रयास किया था लेकिन वो अभी स्टोर्ड है, उसी से हम लोग को सारा फुटेज मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बम भी मिला है? हाँ, एक बम यहाँ पे मिला है, वो रखा हुआ था साइड में, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय अपने हिसाब से करेंगे और इसमें हो सकता है कुछ लोकल या बाहर के भी ग्रुप का हाथ, तो वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारे पास है, तो हम लोग इसको सर हथियार लेके थे क्या? हाँ, हथियार लेके आए थे। हथियार अब सभी के पास तो ये अभी श्योर नहीं है, बट कुछ लोग उसमें हथियार लेके आए थे जिसके कारण डरा धमका के उन्होंने लोगों को और कर्मचारी को साइड कर दिया और इस अपराध को अंजाम दिया। अन्य कर्मचारियों को भी साथ कोई बदतमीजी की? नहीं, कोई मारपीट की कोई घटना नहीं है। सभी नहीं थे, कुछ मास्क में थे और कुछ नहीं भी थे, बिना मास्क के भी थे, उनको भी हम लोग क्या लगता है कि इनके संबंध मतलब दूसरे प्रदेश से भी हो सकते हैं? हाँ, अभी कहना तो बहुत मतलब जल्दबाजी है, हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फोटो वीडियो आया है, उस बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं।